डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस इंडिया बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस। रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। आज 18 अगस्त को परभनी शहर के दरगाह रोड पर गालिब नगर अक्सा गार्डन यहां पर हाइमास का उद्घाटन किया गया है। और ये जो मेरे पीछे आप गार्डन देख रहे हैं, यहां पर इस गालिब नगर और इस परिसर की तमाम महिलाएं, बच्चे, पुरुष यहां पर आते हैं। और यहां पर एक जिम भी बनाया हुआ है, छोटा सा गार्डन है और ये सब इस प्रभाग में बनाया गया है। लेकिन यहां पर एक हाइमास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत को देखते हुए परभनी महानगर पालिका की आयरन लेडी पठान नाजनीन, इन्होंने अपनी कोशिशों से और अपनी पूरी टीम की कोशिशों से यहाँ पर ही नहीं बल्कि इस प्रभाग में, प्रभाग 10, 11 इसे दोनों एरिया दरगाह रोड के एरिया में 4 हाइमास बिठाए हैं। हम बात करते हैं, पठान नाजनीन हमारे साथ में है। बाजी, जैसा कि आज ये उद्घाटन हुआ है हाइमास का, ये किसके फंड में से था या महानगर पालिका से आपने बिठाया, इसके बारे में क्या? अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तो मैं वो एक ज़ात ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगी अल्लाह ताला का, कि अल्लाह मुझे परखता बहुत है, इम्तिहान भी लेता है लेकिन मुझे हारने नहीं देता। और उसी की बदौलत आज उसी के रहम करम से मैं आज यहाँ पर कौम की खिदमत के लिए खड़ी हुई हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पालक मंत्री, हमारे माजी पालक मंत्री नवाब मलिक साहब, कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार के, जो डीपीडीसी के फंड में से डीपीडीसी अंतर्गत जो उन्होंने हमको फंड दिया स्वेच्छा निधि में से, तो उनके पास जाकर हमने वार्ड के लिए हमारे निधि मांगी। और निधि मांगने के लिए जिन्होंने मुझे वहाँ पर सपोर्ट किया वो मेरे बड़े भाई आतिक भाई इनामदार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के काफ मेंबर हैं, और हमारे खलीक सर, वसीख भाई, और मेरी ये जो पूरे भाई लोग खड़े हुए हैं उन सब की टीम जो है उनके नेतृत्व में, सबका जो मुझे सपोर्ट होता है उनके सपोर्ट से मैं जाकर नवाब मलिक साहब के पास मैंने अपने वार्ड की मूलभूत सुविधाओं से जो मेरा वार्ड वंचित है तो वो पूरा उनके सामने मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन किया, कन्विंस किया कि मेरे वार्ड में बहुत परेशानी है और मुझे फ़ंड चाहिए। अब नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे लेकिन वो पालक मंत्री हैं, हम सबके हैं। इसी तहत इस हक़ से मैंने हमारे अतीक भाई इनामदार जो मेरे बड़े भाई है उनके साथ जाकर उनके घर पे दावत थी, उनको कन्विंस किया, बोला, बताया हमें मेरे वार्ड की कंडीशन। और अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे वार्ड की तकलीफ़ और परेशानियों को समझा और मुझे उन्होंने डीपीडीसी के तहत फ़ंड दिया। उस फंड के अंदर मैंने हाइमैक्स के 4 लाइट्स, सैयद तुराबुल हक शाह दरगाह के पास जो मस्जिद है वहाँ पर एक लाइट लगाई, और उसके बाद जो है तो कुरबान अली शाह जो छोटी दरगाह है वहाँ के मस्जिद के पास एक लाइट लगाए, एक आज़म चौक के मस्जिद के पास लाइट लगाए और एक अक्सा मस्जिद के पास जो है तो लाइट लगाए और हाइमैक्स लाइट। और उसी के साथ साथ मैंने वार्ड में भी इस फंड के कुछ रोड डाले, जैसे टीचर कॉलोनी के अंदर जो अप्रोचिंग रोड है, उसके अलावा गौस कॉलोनी के अंदर की जो रोड है, फिर उसके बाद मैंने खान साहब के बिल्डिंग के पीछे एक रोड डाली और एक डॉक्टर इमरान हाशमी उनके घर के सामने एक रोड डाली। और इसी तरह जो है तो गफ्फार मास्टर साहब जो है उनके एरिया में जो है तो सीसी नाली का काम किया गया। इस तरीक़े से उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ंड दिलाने दिए नवाब मलिक साहब ने, और इसका पूरा क्रेडिट मेरे बड़े भाई आतिक इनामदार साहब को जाता है। जी, जैसे कि जो काउंसिल का जो पीरियड रहा है आपका 5 साल का, उसमें काफ़ी हमने भी आपकी न्यूज़ कवर की है, आप काफ़ी बेबाकी से, फिर वो जीबी की मीटिंग हो या फिर कौम मिल्लत का कोई भी मसला हो, आप सर फहरिस्त नज़र आते थे। जैसा कि 2021 का जो यहाँ पर महापूर आया था, जो सैलाब आया था, एक ढक फूटी जैसी बरसात हुई थी जिसमें आपका वार्ड काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ था, उस टाइम पर भी हमने आपको देखा, तो ये क्या आपको लगता है कि पूरे जो 5 साल का पीरियड मिला था काउंसिल का उसमें उतना ज़्यादा काम करने के लिए नहीं मिला आपको जैसा होना चाहिए था और जितना फंड उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, काफ़ी परेशानी अभी भी वार्ड में है, उसके लिए आगे क्या आपकी रणनीति है क्या? जी, अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहले तो
स्टार्टिंग में 2.5 साल की जो है तो बीजेपी गवर्नमेंट थी महापालिका में, फिर उसके बाद जो है तो उसके बाद 2.5 साल जो हमारे अपनी गवर्नमेंट बनी हमारी, तो उसके अंदर कोरोना का दौर चालू हुआ। वो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, आपने भी बहुत कोरोना में हमारा साथ दिया, सभी काम रुक गए विकास के, उसके अंदर विकास के काम नहीं हो सके। जो तो हमने लास्ट मोमेंट पे जो काम लेकर आए वो नवाब मलिक साहब के पास से लेकर आए फंड मांगकर, और उसके अलावा जो है तो फिर 2 करोड़ के और काम हमने जो है तो वार्ड में लेकर आए, जिसके अंदर मुख्य रास्ते अशोक राज चौहान ने वो किए, उसका उद्घाटन किए। लेकिन विकास मंत्री जो एकनाथ शिंदे थे विकास मंत्री, जब उन्होंने इसकी मंजूरी दी कामों की, जब नगर विकास मंत्री थे उन्होंने, जब उस टाइम पे हमको हमारे कामों की मंजूरी मिल गई, लेकिन जब वो सीएम बने मुख्यमंत्री बने तो हमारे कामों का भी स्थगित कर दिया गया है। अगर वो मिल जाते तो काम, अगर वो मिल जाते तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा। हमारे राजकीय गुरु माननीय वरपुड़कर साहब जो है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और अधिवेशन के लिए गए हुए हैं, वो इसी काम की मंजूरी लाने हमारे मुख्यमंत्री से बात करके इंशाल्लाह वो काम जो स्थगित हुए हैं वो आ जाएंगे और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा वार्ड के अंदर भी। और उसके अलावा जी वार्ड के अंदर देखिए, मैंने तो मेरा फर्ज समझ कर 5 साल जो काउंसिल के गुजरे, तो वो 5 साल में मैंने अपना जो वोट मुझे पब्लिक ने भरोसा कर मुझे दिए थे, उस वोट को मैंने ज़ाया नहीं जाने दी। आज मैं ये ताकत से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकती हूँ, 5 साल मैंने सिर्फ वार्ड के लिए नहीं परभनी शहर के लिए बात की हूँ, और हर वक्त आप मेरे खुद साथ रहे हैं। जैसे कि NRC हो गया, NRC के आंदोलन धरने, उसमें मैं वह साथ थी सब समाज के। उसके अलावा अतिवृष्टि की जो आपने अभी बात की, अतिवृष्टि के अंदर मैंने 800 लोगों के घरों को पैसे दिलाए हैं, उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। मंडल अधिकारी का जो फॉलोअप लिया मैंने, फॉलोअप लेकर 800 लोगों को अतिवृष्टि में पैसे दिलाए, पूरी नुकसान भरपाई करवा के। उसके अलावा जो भी अतिवृष्टि में लोगों को तकलीफ हुई, एक शादी खाने में हमने रुकाए, आप साथ ही थे उस टाइम पर। तो बोलने का मतलब खाली रोड नाली का मसला नहीं रहा हुआ है अभी इस वक्त, अभी हमारे कौम के लिए हमको परभनी शहर के ही ऊपर से ऐसे काम करते चलना पड़ता है। और उसके अलावा जो है तो वार्ड के अंदर जो भी काम मैंने लाई हूँ, तो एक वार्ड हमारा इतना बड़ा है वो 4 नगर सेवकों का है, अकेले आप ही नहीं है। हाँ, अब मैं अपने वार्ड के लोगों से ये कहूँगी कि भाई आपने 4 वोट दिए हैं, 4 वोट मैंने अकेले नहीं ली, 4 नगर सेवकों की जिम्मेदारी है। लेकिन गलत फहमी ऐसी हो जा रही है मेरे वार्ड के अंदर लोगों में कि भाई वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं आज ये कहती हूँ, आज मेरे से आपने ये सवाल किए, आप और 3 नगर सेवकों से भी ये सवाल करो ना, डिफ्रेंशिएट करो, आपको खुद मेरा काम नज़र आएगा कि ठीक है मैं एक महिला नगर सेविका है, मैं अकेली पड़ गई, लेकिन मैंने इसमें काम किया। मैं आज हर चीज़ लीगल प्रूफ के साथ बता सकती हूँ, जब मेरा वक्त आएगा मैं वो सब बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास एजेंडा है। एजेंडे में मैंने ऐसी कोई मीटिंग खाली नहीं की जिस वक्त मैंने अपने लोगों के लिए आवाज़ वहाँ काउंसिल में नहीं उठाई, इसके सब मीडिया गवाह है, पब्लिक गवाह है, हर किसी को पता है। मैंने उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए बात की, सवाल उठाए मूलभूत सुविधा के लिए, वो उनकी जो है तो परेशानियों की सब वहाँ पर बात रखी। उसके अलावा जो है तो शहर के लिए भी बात की, मैंने ऐसे कोई भी काम पीछे मैं ऐसा हटी नहीं लोगों के लिए कि जहाँ पर मैं अपने कौम के लिए कुछ कर सकती हूँ और मैंने किया नहीं। उनके बीच में रहकर, उनके बीच में रह के मैंने काम किया है। हाँ, और मैंने जो है तो 4 नगर सेवक के आप टैली कीजिए और फिर मुझे बताइए कि मैंने कहाँ नहीं की। मेरे एजेंडा देखिए, फर्स्ट मीटिंग से लेके स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले पाइपलाइन के लिए वहाँ पर सवाल उठाए, पूरे परभनी शहर में पाइपलाइन हुई, मेरे वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ जो एरिया में पाइपलाइन नहीं थी वहाँ पर मैंने सवाल उठाकर कमिश्नर साहब से बात कर मेरे पाइपलाइन करके लिए वार्ड में। रमज़ान का महीना था, पूरे परभनी शहर में मेरे वार्ड के अंदर मैंने पहले पानी स्टार्ट करी, पानी का हमारा काम हुआ, टैंकर मुक्त परभनी किया, मेरा वार्ड टैंकर मुक्त किया। उसके अलावा जो तो लाइट्स की पोल लाइट्स LED की लगाए गए, केंद्र भी आपके, हाँ लाइट्स लगाए गए। बहरहाल हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप किए, लेकिन मैं अकेली होने की वजह से मेरे काम नज़र नहीं आ रहे हैं। और जैसे आज मेरे ये सब भाई लोग आज खड़े हुए हैं, आज ओपनिंग हुई, तो अकेली नगर सेविका होने की वजह से मैं अकेली क्यों रही कि मेरे वार्ड के लोगों ने, मेरी आज भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि मैं यही कहूँगी किसी को भी चुन कर दिया आपने तो
एक पक्ष के चार नगर सेवक दीजिए। काउंसिल में जब हम बात करते हैं तो हमें सपोर्ट लगता है। अनुमोदन देने के लिए मुझे कोई मेरे साथ नगर सेवक नहीं रहते, क्योंकि हाँ जो मेरे पार्टी से, अब नईम भाई का इलेक्शन लग गया उसके 2-2.5 साल के बाद, उसके बाद जो है तो जानू भाई का इंतकाल हो गया। ऐसे मैं तो समझती हूँ कि 5 साल मेरे वार्ड में इलेक्शन ही चलते रहे, जिसके वजह से मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ जा रही थी। मैं सब कर सकती थी, लेकिन मुझे सपोर्ट के लिए चार नगर सेवक चाहिए काउंसिल में भी। इंशाल्लाह अब आप लोगों की ऐसी दुआ रही और चुन के आ गए, तो इंशाल्लाह इससे अच्छा और मैं डेवलपमेंट करूँगी वार्ड में, क्योंकि जो है तो अब और मेरे को एक्सपीरियंस आ चुका है ना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक बात कहूँगी कि वहाँ पे जो काउंसिल का मेरे को एक्सपीरियंस आया, तो एक्सपीरियंस ये आया है कि वहाँ पर जब हम बात करते हैं कमिश्नर से तो लॉ में बात करना पड़ती है। महानगर पालिका अधिनियम 1950 के एक्ट के रूल में आप उसको बात करें तो ही आपके वहाँ बात रखी जाती है। ये ना कि सिर्फ देखिए चुन के आना वोट लेना आसान बात है, लेकिन हम वहाँ से काम ला रहे, काम की बात कर रहे, ये बड़ी बात है। अब हम खाली चुन के आ रहे और वार्ड के सल्तनत के राजा बन रहे, हम वार्ड के राजा नहीं हैं, हम नगर सेवक हैं और हमें सेवक की ही तरह रहना पड़ता है। हम ज़मीन से जुड़ के हम जब काम करेंगे, हम 10 काम के बजाय 2 करो, लेकिन हम आज हम बोल सकते कि हमने ये काम करे, तो उसके लिए हमें एक्ट में बात करनी पड़ती है। अगस्त 2022 को परभनी शहर के हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह के पास जो मस्जिद है, यहाँ पर एक हाईमास का उद्घाटन परभनी महानगर पालिका के साबिका नगर सेवक पठान नाजनीन इनके इस प्रभाग में और इस उनकी कोशिशों से ये हाईमास इस प्रभाग में 4 जगह बिठाए गए हैं, 4 मस्जिदों के पास। और इसका उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के सीनियर नेता गफार मास्टर हमारे साथ में, उनके हाथों से उद्घाटन हुआ है। उनसे बात करते हैं। मास्टर साहब, जो पठान नाजनीन ने जो अपने कार्यकाल में 5 साल के जो काम किए हैं, उसमें ये काम काफ़ी अहम कहेंगे, क्योंकि ये मस्जिदों के पास 4 हाईमास बिठाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मैं तो पहले इस एरिया के कॉरपोरेटर पठान नाजनीन को और उनके शोहर शकील को बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने ये हाईमास लगा कर इस दरगाह के एरिया को, जो बहुत ही बदनाम होते जा रहा है, बच्चे नशे के आदि लग रहे हैं, उसके वजह से ये हाईमास लगने की वजह से दूर दूर तक यहाँ कोई बैठ नहीं सकेगा और यहाँ कोई गलत काम नहीं हो सकेगा। और मैं उनसे बहुत से और उसके लिए भी मदद तो हो जाएंगी, पुलिस भी राउंड करेंगी, ये बात तो बहुत सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शकील का और उनकी बीवी का, जो इन कॉर्पोरेटर है, उनका इस पर ज़्यादा ध्यान है इस एरिया पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और जो भी जो छोटे मोटे काम है, जैसा रास्ते के काम है, ये जो बड़ा दिया गया है इनकी वजह से हुआ, और जो भी काम हो रहे आज तक तो होते नहीं थे, और ये शकील भाई की वजह से ये काम हो रहे हैं, कॉर्पोरेटर की मैडम की वजह से। इन्होंने इनकी अक्सर वीडियो पर, और इन्होंने बहुत ही 5 साल के अंदर जिस तरह से दरगाह रोड के कामों के लिए आवाज़ उठाई है नगर पालिका में, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। मैं और उनसे उम्मीद करूँगा कि आगे चलकर उस एरिया को एक साफ़ सुथरा और अच्छी तरह से, जिस तरह से आज दरगाह रोड कई लोग बदनाम बोल रहे हैं, लेकिन उसी तरह से आपको अगर यहाँ पर कॉर्पोरेटर और रहना है, अच्छा रहना है, और आप इस एरिया को अच्छा करना चाहते होंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ के लोग और आपको नवाजेंगे और आगे चुन कर देंगे। और यही इसी तरह से हैमास लगाए, 4 हैमास लगाए ना, 4 हैमास लगाए। और मांग करता हूँ कि इसके पीछे के साइड में एक दरगाह के पीछे के साइड में एक और हैमास लगाया जाए, यही मैं उम्मीद करूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत गरीबों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत गरीबों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़जानों में। मैं बात कर रहा हूं पठान नाजनीन शकील मोहीद्दीन, जो कि परभनी महानगर पालिका जो जिसका पीरियड अभी ख़त्म हो चुका है, उसके वो साबिका कॉरपोरेटर रह चुकी है और एक बेबाक और आयरन लेडी के तौर पर उनको देखा जाता था काउंसिल में, हर मुद्दे पर वो सर फहरिस्त रहती थी। और आज जो यहाँ पर मौका है, हम इस वक्त मौजूद है छोटी दरगाह के पास, दरगाह
दरगाह रोड परिसर जो ये दरगाह हज़रत क़ुरबान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और इस दरगाह के पास जो मस्जिद है यहाँ पर एक हाईमास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बीते कई वर्षों से यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं था, एक बड़े हाईमास की ज़रूरत थी। दारुलूम भी है यहाँ पर, और ये आज कहीं ना कहीं इसका उद्घाटन यहाँ पर गफ़ार मास्टर साहब और तमाम इनके मौजूदगी में हुआ है। तो हम बात करते हैं आने वाले दिनों में कैसे यहाँ पर काम होगा। पठान नाज़रीन मैडम, जो यहाँ पर जो रास्तों की जो परेशानियाँ हैं जैसे मौलाना भी अभी बताया, उसके लिए क्या और आप अपनी जानिब से क्या करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी अभी मेरे भाई साहब ने जो मुरूम की परेशानी बताए हैं कि यहाँ पर मुरूम अभी तक आया नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि इंशाल्लाह अभी मैंने पूरे अपने वार्ड का सर्वे किया है मेरे टीम को लेकर, और जैसे हाजी हमीद कॉलोनी हो गई, ये छोटी दरगाह के पास का एरिया हो गया, और सूबेदार कॉलोनी, खाजी बाग, अंसार कॉलोनी, राहत कॉलोनी, ये जो एरियाज़ है यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत दिखी, अब मैंने और मेरे शौहर ने जाके कॉन्ट्रेक्टर साहब से बात भी की है मुरूम के लिए, और थोड़ा सा एक 10-15 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं हर जगह जहाँ पर ज़रूरत है मुरूम की वहाँ पर मैं हर जगह डालूंगी और ख़ुद के ख़र्चे से डालूंगी। हाँ, क्योंकि पीरियड काउंसिल का अब ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो के भी 3 महीने हो चुके हैं, 2 से 3 महीने हो गए हैं। अब जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है तो मैं ख़ुद जाकर वहाँ पर मुरूम डालूंगी इंशाल्लाह। लोगों को चलने के लायक रास्ता बनाएंगे। आज जो उनकी कंडीशन है, वो उनके जो हालात है उसका मुझे पूरा एहसास है, लेकिन देखिए ये मैं एक नगर सेविका हूँ और हालात पूरे सब मेरे हाथ में नहीं होते हैं लाने के लिए। हाँ, 4 कॉरपोरेटर का प्रभाग है, उसके अलावा मैं जो अकेली नगर सेवक काम कर रही हूँ वार्ड में, इसके बाद भी प्रशासन ने भी हमें हर चीज़ देनी चाहिए। जैसे कि अब आप सबको कमिश्नर साहब का भी तजुर्बा आ रहा है कि एक 4 महीने से जो हम काउंसिल से हट चुके हैं तो क्या काम कर रहे हो, कितना काम हो रहा, तो उस हिसाब से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रही बात मुरूम की, तो मैं मुरूम का इंतज़ाम जल्द से जल्द कर दूंगी। हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर के आज़म कॉलोनी में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं आज़म मस्जिद है, और इस मस्जिद के सामने हाईमास बिठाया गया है जिसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। स्थानिक नागरिक हमारे साथ में है डॉक्टर शाकिरुल करीम साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना ज़्यादा ये हाईमास की ज़रूरत थी यहाँ पर और इस मस्जिद के पास, क्या कहना चाहेंगे? जो पठान नाज़रीन, इन्होंने इनकी कोशिशों से ये स्पेशल फ़ंड ला कर किया गया है, जो साबिका मंत्री नवाब मलिक उनके फंड से इस हाईमास को बिठाया गया, प्रभाग में 4 मस्जिदों के पास बिठाया। कैसा ये काम है और कैसे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये आज़म मस्जिद के पास रात के टाइम में बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था, और यहाँ पर मस्जिद में हर कॉर्नर से लोग आते थे, आने जाने के लिए काफ़ी परेशानी थी। लेकिन ये जो वसीख इनामदार साहब और शकील, इन्होंने ये जो हाईमास बिठाने का काम किए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस एरिए के लिए, और इसके बैठने से यहाँ के आने जाने वाले लोगों को रात के वक्त काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। लोग खुश है इनके इस काम से। पठान नाज़रीन, ये जो पठान नाज़रीन जो कॉरपोरेटर है, ये काम से वाकई में लोग इधर के खुश होने वाले हैं, और भी उनसे खिदमत की गुजारिश है इस महल्ले के लिए। हमारे साथ वासिख इनामदार साहब हैं, जिनकी कोशिशों से और प्रभाग के साबिका कॉरपोरेटर पठान नाज़रीन इनके कोशिशों से प्रभाग में 4 जगह पर मस्जिदों के सामने हाईमास बिठाया गया है, और यकीनन इसका फ़ायदा इस प्रभाग के लोगों को होगा। इनामदार साहब से बात करते हैं। इनामदार साहब, कितना ज़्यादा ज़रूरी था ये 4 मस्जिदों के पास 4 हाईमास बिठाए गए हैं, कैसे इसको देखते हैं आप, और आने वाले दिनों में भी आपके ऐसे ही सामाजिक खिदमतें चालू रहेंगी, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। ये जो हाईमास पूरे शहर में बिठाए गए हैं, दरगाह रोड परिसर में पूरे 4 हाईमास बिठाए गए हैं, ये हाईमास जो है नवाब मलिक साहब के DPDC फंड में से नवाब मलिक साहब ने पठान नाज़रीन इनके प्रभाग के अंदर दिए। उनके डिमांड थी कि दरगाह रोड के ऊपर हाईमास पूरे मस्जिदों के सामने बिठाए जाए। उन्होंने उनको जब का जब उनको सैंक्शन कर दे दिए, और भी दरगाह रोड के ऊपर पठान नाज़रीन के कहने पर, और ये उस प्रभाग में रोडों के भी काम दिए,
और पूरे शहर में भी नवाब मलिक साहब ने बहुत सारा फंड दिए डीपीडीसी के अंदर से, और भी आने वाले दिनों के अंदर जो नगर विकास मूलभूत सुविधा के अंदर ठोक निधि के अंदर भी हम और कोशिश करेंगे कि दरगाह रोड के अंदर, परवीन शहर के अंदर और इनायत नगर में, जो भी पूरे शहर के महानगर पालिका एरिया के अंदर जहाँ जहाँ भी ज़रूरी काम आए उनके लिए फ़ंड के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और भी एक ख़ास बात है कि हर महल्ले के अंदर जो बच्चे जो 8वीं से 12वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं, घरों के अंदर जो पढ़ाई के अंदर दिक्कतें आती है, जो जबकि जैसा घरों के अंदर जो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके घर के जो मेंबर होते हैं सब आवाज़ होते हैं, उनको कामा बोलते हैं, तो इसलिए हर प्रभाग के अंदर, हर प्रभाग के अंदर, वार्डों के अंदर एक एक स्टडी सर्कल के लिए हम नगर विकास खाते के अंदर और मुख्यमंत्री को और शिक्षण मंत्री को और कलेक्टर कमिश्नर सबको निवेदन देकर उसमें हम फंड देने की और स्टडी सर्कल खड़े करने के लिए हम कोशिश करने वाले हैं। ये हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा आने वाले दिनों के अंदर, और उसके अंदर हमारे बच्चों का 8वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी मेरिट बढ़ेंगी ये पढ़ाई करने से। हर मोहल्ले में अगर स्टडी सर्कल रहा तो हर कॉलोनी के बच्चे, महल्ले के बच्चे उसके अंदर पढ़ाई करके उनकी जो मेरिट लाकर अपने अपने स्टैंड हो सकते हैं उसके अंदर। यही मैं इतना बोलकर आपको। नाज़रीन, आपको बता दें कि परभनी शहर, परभनी ज़िले की तमाम दर्द से परेशान जनता के लिए बड़ी ही खुशखबर है, क्योंकि परभनी में चेरोप्रैक्टिस और थेरेपिस्ट मशहूर मारूफ शख्सियत शेख इमाम, इनके जादुई टच से पुराना बदन का दर्द 15 से 20 मिनटों में गायब हो जाता है। और इसका जो कैंप परभनी में रखा गया है, पिछले लगातार जो कैंप यहाँ पर हुए हैं उसको जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देखते हुए इसे 20 अगस्त तक कर दिया गया है। परभनी शहर के माने टावर बस स्टैंड के सामने एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र, यहाँ पर आप अपने चाहने वाले करीबी दोस्तों को ले जाइए जो दर्द से परेशान है, पुराने से पुराना दर्द 15 से 20 मिनटों में गायब हो जाता है। ऐसी थेरेपी शेख इमाम इनके हाथों में जो जादुई टच है उससे दूर होती है। तो अपने करीबियों को वहां पर आप ले जाइए। 20 अगस्त तक के लिए इस कैंप को बढ़ा दिया गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल गफूर अंसारी। कहां पर रहते आप? गुलशनाबाग। गुलशनाबाग परभनी? परभनी। क्या क्या तकलीफ थी आपको? ये कमर में दर्द होता था और पैर में बहुत दर्द होता था। बहुत बोले तो कितना? बहुत चलना ही नहीं, मुश्किल ही था। मैं यहाँ से हमें नीचे तक नहीं चल सकता था। नीचे यानी अपने पैर नहीं उतर सकते? हाँ, नहीं उतर सकते। इतना दर्द हो रहा है? हाँ, इतना दर्द हो। कितने साल से दर्द है? ये एक साल से दर्द है। एक साल से? तो आप डॉक्टर को नहीं दिखाए? दिखाए ना, नॉर्मल काम होता बाद में फिर हो दर्द चालू है। चालू से था ऐसे? एक साल से दर्द है? हाँ, एक साल से दर्द है। ओके, कितने डॉक्टर दिखाए एक साल में? 2-3 डॉक्टर बताया। फिर भी कम नहीं हुआ? हाँ, वो तात्पुरता कम होता हो, गोलियाँ खाने से तात्पुरता कम होता, फिर जो दर्द होना वही शुरू होता है, वैसे दर्द चालू होता है। अभी जो आपने पुणे से शेख इमाम साहब आए, उनके थेरेपी से कितने मिनट के अंदर दर्द गायब होगा आपका? मेरा 10 मिनट में गायब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी एक साल का दर्द 10 मिनट में गायब होगा? हाँ। क्या क्या दर्द गायब होगा आपका? पैर का दर्द, कमर का दर्द। अभी चल के देखे आपने? हाँ, चल के देखा। कुछ दर्द हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा। पूरा दर्द गायब हो गया? हाँ, गायब। पहले चलते समय दर्द होता था? हाँ, दर्द होता था ना पहले। अभी थोड़ा सा चल के देखा? बैठो। अभी फिलहाल पूरा दर्द गायब हो गया? हाँ, अभी महसूस नहीं हो रहा दर्द। अभी कुछ भी दर्द महसूस नहीं हो रहा, यानी एक साल का दर्द। हाँ, तो शेख माम के बारे में क्या बोलेंगे लोगों को, पब्लिक को बताएं, समझेंगे ना? हमको एक साल का दर्द था भाई, ऐसा नहीं गया। इंजेक्शन दिए कुछ? हाँ, इंजेक्शन दिए आपको? इंजेक्शन नहीं, कुछ गोली वगैरह खिलाए? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उनके थेरेपी से आपका एक साल का दर्द 10 मिनट में गायब कर दिया? सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ज्यादा ज्यादा लोगों को बताएंगे आपके भाई, यहां पे जाओ, वेदना से मुक्त हो जाओ। ओके, हेलो, वेलकम टू डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, इंडियाज बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th।
एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद पीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248।